कि ये आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दिन हैं, और अहमद रजा तो नाम है मुहाफिज़े नामोस रिसालत का, अहमद रजा नाम है आशिकों के इमाम का, अहमद रजा नाम है गैरत इस्लाम का, अहमद रजा नाम है शौकत इस्लाम का, अहमद रजा नाम है अल्लाह के महबूबों की इज्जत के बावफा चौकीदार का, वो अहमद रजा कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की कसम आका आप जिंदा हैं, हमारी नजरों से पता फरमाया है, हयात मोहम्मद में कोई फर्क नहीं आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अल-अंबिया हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा है नमाजें भी पढ़ते हैं। जब सारे नबी जिंदा हैं तो नबियों के इमाम, बोले नबियों के इमाम हर गुलाम को जवाब दे, हर किसी का दरूद और सलाम सुने, हर उम्मती के आमाल के गवाह बने, और फिर लोगों को समझ में आए मुस्तफा की हयात का। मैं एक और बात अर्ज करने लगा हूं, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम मेरे रियाज़ल जन्ना, फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर पाक तक ये सारी जगह जन्नत की तैयारी है, जन्नत का बाग है। फिर सुनिए, जन्नत का बाग है, जन्नत की तैयारी है। ये जन्नत का बाग और जन्नत की तैयारी क्यों बन गई? सरकार घर में होते तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, पांच मरतबा जाते, पांच मरतबा आते, ज्यादा मरतबा मैं ऐसे बता रहा हूँ, जब आते जाते रब ने कहा महबूब जो जमीन दिन में 10-15 मरतबा तेरे कदम चूमे लोग उसे जमीन और मट्टी ना कहें, वो तो जन्नत का बाग है। अच्छा मैं दुआ करने लगा हूँ या अल्लाह जो बोले जन्नत का बाग जरूर देखे। रियाज़ुल जन्ना, जन्नत का, जन्नत का। अब एक मसला सुन लें, मसला ये है जब कयामत कायम होगी सारी जमीन फना होगी, ये जगह फना नहीं होगी। दोबारा सुन लें, जब कयामत कायम होगी सारी जमीन फना होगी, रियाज़ुल जन्ना शरीफ फना नहीं होगी, ये सारा टुकड़ा बेहन ही जन्नत में जाएगा, फना नहीं होगा। अब मैं एक मसला कहना चाहता हूं, अरे जो जमीन का हिस्सा पाक बार बार नबी के कदम चूमे उसको कियामत फना नहीं कर सकती, तो मोहम्मद को मौत कैसे मिटा सकती है? मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। उलमा ने एक मसला लिखा, वो भी सुन लें। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म से जुदा की गई, क्यों? ताकि आपको कोई खुदा ना कहे। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इस रूह को कहां रखें? इसलिए कि मोमिनों की रूह जुदा होती है तो आला इलीजीन में रखा जाता है, जिस्म से अच्छी जगह। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जानते तो हो कि मैंने जिस्म मुस्तफा जैसी शय नहीं बनाई, तो जिस्म मुस्तफा से अच्छी तो हो नहीं सकती, या अल्लाह फिर क्या करें? कहा जहां से निकाली है वही लौटा दो। अब कोई सवाल कर सकता है अगर जिस्म में दोबारा लौटाना था तो फिर रूह को निकाला क्यों गया? मैंने कहा तेरी खोपड़ी का कान साफ करने के लिए रूह को जिस्म से निकाला गया, ताकि कोई खुदा ना कह सके, जिस्म में लौटा दिया गया कोई अपने जैसा ना कह सके। मेरे आका पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है।
जिंदा बंदों की तरह बोले, हाथ खड़ा करके बोले, और अगर कोई मुर्दा गलत बात कहे उसे कह देना हम जिंदा नबी का मिलाद मनाते हैं। और अबाने मसला लिखा है जो नबी को जिंदा ना माने उसका ईमान ही नहीं है, मोमिन वो है जो मोहम्मद को जिंदा मानता है। ये भी मशवरा देते हैं लोग, जश्न करते हो आका का तो विशाल हो गया। मैंने कहा नहीं, तुम मर गए हो, नबी जिंदा है। हम जिंदा नबी का जश्न करते हैं, जो जिंदा जिंदा बैठे वो बोले जिंदा नबी का जश्न करते हैं। और इंशाअल्लाह हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। जब तक अहले ईमान के अंदर हयात की रमक मौजूद है हम मोहम्मद का जश्न मनाते रहेंगे। और ऐ अहले पाकिस्तान मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, 14 अगस्त को अपने घर पर झंडा लगाकर पाकिस्तान की आजादी और पाकिस्तान से प्यार का दर्श देने वालों एक झंडा मोहम्मद के मिलाद का भी लगा देना ताकि लोग समझे पाकिस्तान वाले भी यही हैं, अल्लाह के हबीब वाले भी यही हैं। 14 अगस्त को हमें आजादी मिली थी और जब आका आए तो अल्लाह ने जहन्नम से आजादी वाला नबी अता फरमा दिया, जो जहन्नम से बचाने के लिए आया। और मेरे आका अलैहि सलाम से पूछा गया था, सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल्लकुम व ममाती खैरुल्लकुम, मैं दुनिया में तशरीफ फरमा रहा हूं तो भी तुम्हारे लिए बेहतर, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो भी तुम्हारे लिए बेहतर। अब आगे मेरे आका ने जो बात बनाई वो सुनिए, फरमाया दुनिया में मैं जलवागर हूं, तुम मेरे पास आते हो मसाइल लेकर मुश्किलात लेकर, मैं हल करता हूं, और जब मैं दुनिया से तशरीफ ले जाऊंगा फरमाया फिर भी मैं तुमसे तवज्जो नहीं हटाऊंगा। तो रदो अलैया आमालुकुम, तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे, अच्छे होंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, गंदे हुए छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। हुजूर को हुजूर मजार में भी उम्मत को ना भूलें, हम इतने बेवफा तो नहीं कि जिंदगी में भूल दें। और इस हदीस को जरा प्यार से सुनना, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं अक्सर सुनाता हूं लेकिन हमारे हाफिज़े कमजोर है ना फिर भूल जाते हैं। हुजूर ने फरमाया इज़ा मित्तु, जब मैं आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ कब्र में तशरीफ ले जाऊंगा, ला अज़ालु उनादी फी कब्री उम्मती उम्मती, मैं अपनी कब्र अनवर में कहता रहूंगा उम्मती 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 उम्मती, देख नबी की वफा उम्मती, या अल्लाह मेरे हैं, या अल्लाह मेरे हैं, या अल्लाह मेरे हैं। अब भाई इस उम्मत को क्यों नबी से दूर करते हो, गुंबदे खजरा में नबी फरमाते हैं ये मेरे हैं, इधर ये नौकर कहते हैं आका हम तेरे हैं, आका हम तेरे हैं।